बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार की मृत्यु होगी। सबसे बोलना अचार चतुर्थ का क्या कितना था, 412 ईसा पूर्व से 462 ईसा पूर्व, ठीक है। अचार चतुर्थ शासक बनते सबसे पहले इसने क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। जैन साहित्य में अचार चतुर्थ का नाम क्या मिलता है, पुलिक मिलता है। शासक बनते सबसे पहले इसने क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य के विस्तार करने के लिए इसने सबसे पहला क्या कार्य किया, कौशल से युद्ध किया। क्यों किया कौशल के साथ में युद्ध, क्योंकि अजातशत्रु का जो पिताजी था कौन सा था, बिंबिसार। बिंबिसार को दहेज के रूप में क्या मिला था, काशी का साम्राज्य मिला था, ठीक है। जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, बिंबिसार की हत्या के बाद में क्या होता है, अजातशत्रु की जो माता थी कौशल देवी, वो अपने पति बिंबिसार के वियोग में वो भी गुजर जाती है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, तो अजातशत्रु का मामा जो था क्या नाम था, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत को गुस्सा आता है, गुस्से में आकर इसने क्या किया, अजातशत्रु से जो काशी का जो साम्राज्य था वो क्या कर दिया, इसने वापस ले लिया, ठीक है। वापस लेने के बाद में क्या आता है, अजातशत्रु को गुस्सा आता है, ठीक है, क्योंकि अपने साम्राज्य का हिस्सा उसने वापस ले लिया। उसी काशी को दोबारा प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने इस पर हमला किया, इस पर हमला किया कौशल पर, इस पर हमला किया कौशल पर, ठीक है। और क्या किया, उनका कुछ समय का युद्ध चलता रहा, आखिर में इनकी प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में संधि हो जाती है, और संधि होने के बाद में क्या होता है, प्रसेनजीत अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह किसके साथ में कर देता है, अजातशत्रु के साथ में कर देता है, और इस प्रकार से क्या हो जाता है, कौशल पर अजातशत्रु का अधिकार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है, दूसरा इसने युद्ध किया था वैशाली के साथ में युद्ध किया था। वैशाली के साथ में युद्ध करने का कारण क्या था, वैशाली, वैशाली की राजकुमारी थी कौन सी, चेतना, इसकी पत्नी थी बिंबिसार की पत्नी थी और अजातशत्रु की मौसी भी थी। इसी चेतना के दो पुत्र थे, कौन कौन से, हल्ला और बेहल्ला। इस हल्ला और बेहल्ला को बिंबिसार ने 18 लड़ियों पैसे के 18 लड़ियों का एक हीरे का हार था और उस कहने कुछ सामान को भेंट स्वरूप दिया था अपने पुत्रों को, ठीक है। और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने के बाद में राजा बन गया था अजातशत्रु, अब किसकी चलेगी, अजातशत्रु की चलेगी। इस अजातशत्रु ने क्या किया, इस हल्ला और बेहल्ला से जो 18 लड़ियों का हीरों का हार दिया था भेंट स्वरूप, वो इनसे मांग लिया इसके द्वारा वापस। लेकिन हल्ला और बेहल्ला ने वो सामान वापस करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और ये अपने ननिहाल कहां चले आए, वैशाली चले गए, ठीक है, वैशाली चले गए। और इस प्रकार से अजातशत्रु ने वैशाली पर क्या किया, हमला कर दिया। ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है, इन जैन साहित्य से प्राप्त होती है, ठीक है। इस जैन साहित्य से ये जानकारी प्राप्त होती है कि वैशाली पर अजातशत्रु ने आक्रमण क्यों किया। इसके बाद में आता है वैशाली पर दूसरा आक्रमण, इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है, बौद्ध साहित्य से। बौद्ध साहित्य के अनुसार यह वर्णन मिलता है कि गंगा नदी के किनारे एक क्या थी, एक खान थी, जहां से क्या निकलता था, हीरा निकलता था, ठीक है। बिंबिसार के समय उस हीरे की खान पर मगध और वैशाली का आधा आधा अधिकार था, ठीक है। और बिंबिसार की मृत्यु के बाद में क्या हो जाता है, वैशाली उस खान पर अपना एक अधिकार स्थापित कर लेता है, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या होता है, अजातशत्रु उस हीरे की खान पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या किया, वैशाली पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। और वैशाली पर आक्रमण करने के अन्य कारण भी कुछ मिलते हैं, जो इस प्रकार से हो कि अजातशत्रु एक कूटनीतिज्ञ, एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति था, किसी को जीतने के लिए साम दाम सारी जीतने ये जानता था। और इसने क्या किया, अजातशत्रु ने अपने दो मंत्रियों को कहां भेज दिया, वैशाली के राज्य के अंदर भेज दिया, और उन दो मंत्रियों ने वहां के मंत्रियों को खरीद लिया, वहां के अधिकारियों को खरीद लिया, ठीक है। और उनको क्या किया, फूट डालो और राजद्रोह की नीति
अजासुर के दोनों मंत्रियों ने वैशाली के अंदर फूट डाल दी राजकार्य के अंदर। इस प्रकार से वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इसी का फायदा उठाकर देखा गया अजासुर ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसके बाद में आता है अजासुर का धर्म। ठीक है, अजासुर का धर्म कौन सा था? अजासुर का धर्म यानी जैन साहित्य के अनुसार इसका वर्णन मिलता है कि जैन ग्रंथ यह कहता है कि अजासुर क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था, क्योंकि अजासुर अपनी पत्नी के साथ में महावीर स्वामी के दर्शन के लिए गए थे और वहां पर जाकर के इसने अजासुर ने क्या किया? जैन धर्म को ग्रहण कर लिया यानी स्वीकार कर लिया। इसके बाद में आता है बौद्ध साहित्य। ठीक है, क्या आता है? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अनुसार यह वर्णन मिलता है कि अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर बौद्ध स्तूप बनवा दिए थे। क्या कर दिए थे? बौद्ध स्तूप बनवा दिए थे और अजातशत्रु के कार्यकाल के अंदर ही क्या थी? जो प्रथम बौद्ध संहिति, प्रथम बौद्ध सभा थी, उसका आयोजन हुआ था और किसने करवाया था? इसी अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था और जो कुछ भी खर्चा हुआ था वो इसी अजातशत्रु ने उनका वहन किया था। और इसी प्रकार से क्या किया? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वर्णन मिलता है कि अजातशत्रु ने उसी बौद्ध सभा के आयोजन के बाद में इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और अब आता है अजातशत्रु के बाद में इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है दाई। ठीक है,